भगवत गीता ये भगवान के अनुभव की पोथी है। कयादु ने पति को घर आते उसको गर्म पानी दिया, सत्कार किया, भोजन बनाया। अब कयादु जानते कि भोजन खाते समय जब पति खुश होता है तब अपना मनमाना काम करवा लेना चाहिए, पति को वश करने की आइडिया है। ऑफिस में भी कोई साहब से कमिश्नर से काम लेना हो तो सुबह सुबह मत जाना जल्दी, वो जब नाश्ता कर बैठे भोजन कर बैठे हो तृप्त हो तब जब ऑफिसर के पास जाते हो तो वो पॉजिटिव थिंकिंग करके साइन कर देगा, नहीं तो प्राय नेगेटिव थिंकिंग हो जाता है कि अच्छा देखेंगे बाद में आना जांच करेंगे। जयराम जी की। तो खा पी के आदमी संतुष्ट रहता है तो उसमें फिर चलो शेर भी अगर खा पी के संतुष्ट होता है तो फिर हाथ नहीं मारता। ऐसे जे नाश्ता वास्ता करके बैठे हो पति को पंखा हाँकती है, नाथ भोजन कैसा बना रहे कि खूब सुत लो थोड़ा और खा लो थोड़ा। अब धीरे रह के पूछते कि आप तो कहते थे कि मैं जाऊंगा वरदान पाके आऊंगा और फिर आप जल्दी लौटने वाले नहीं है, आप इतने मर्द आदमी हैं। अहंकारी की सराहना करके उसको पटाया जाता है। माया समझ लो पति को पटाने की आइडिया। अगर वो भक्त है तो अलग ढंग से उसको प्रार्थना करो, लेकिन अहंकारी निगुरा है तो उसकी सराहना करो। तुम तो बड़े धर्मात्मा हो, वैसे तो तुम बुद्धिमान हो, लेकिन मेरे ऊपर आप खाली जोर मारते, और जगह जोर नहीं लगता, मेरे कोई आके दिखाने का जोर लगाते। वो किस समय को? गुस्से में उस समय नहीं, भोजन करते हो अच्छा भोजन बने तब वो बात उसके कान में डाल दो तो फिर वो पिटाई घुटाई का भाव बदल जाएगा और प्रेम से व्यवहार करेगा। जयराम जी बोलना पड़ेगा। बाबा जी बापू जी तो बहुत अच्छे हैं, बढ़िया है, बढ़िया बात बताए बापू जी तो। कयादु पंखा हाँकती है, कहती है कि नाथ आप तो बड़े संकल्पवान और फिर आधे में लौट आए, जरूर कुछ गड़बड़ हुई होगी, नहीं तो आप लौटने वालों में से नहीं हो। सराहना कर दी, एक तरफ तो कौन ही मार रही हो, दूसरे तरफ जरा पुचकार की भाषा करे, आपको कोई बड़ा विघ्न आया होगा इसीलिए आप तपस्या छोड़ के आ गए, नहीं तो आप जैसे तैसे आदमी नहीं हो। पूछने का तरीका, नहीं तो ये भी होता था कि आप तो गए थे तपस्या करके सफल फिर आऊंगा, नहीं आधे में लौटा है, ऐसा बोल ले तो चोटा पकड़ के दीवार से ठोक देगा, इसीलिए पूछने का तरीका कैसा होना चाहिए माई का। आप तो बड़े बहादुर हो और अपना काम सिद्ध किए बिना लौटने वाले नहीं हो, ये भी मैं जानती हूँ, आप कोई साधारण नहीं हो। पोलसन लगा दिया, फिर भी आप लौट के आए हो अधूरे में, वापस भागना पड़ा है तो जरूर कोई रहस्य होगा। बोले हाँ देवी रहस्य था। अब शुकन हो गया, बोले क्या हुआ? बोले कोई तोता आया। अब बोले नारायण नारायण नारायण। कहा तू सोची कि हाय जो भगवान का नाम लेने से चिढ़ता था वो अभी भगवान का नाम बोल रहा है। कहा तू को नब्ज आ गई हाथ में, बोले अच्छा तोता बोल रहा था, काहे बोल रहा था? बोले नारायण नारायण नारायण, तोता नारायण नारायण बोल रहा था। बोले छोड़ नारायण नारायण का नाम हम नहीं लेते खाते हुए। अच्छा अच्छा ठीक खाओ, तो ये ढोकले कैसे हुए? मिर्च तो ज्यादा नहीं ना। बोले ठीक है अच्छा, तो ये जरा खा लो ये पूरी। मैं तो भूल गई हो तोता, तोता आप क्या बोल रहे थे? मैं तो भूल गई तोता क्या बोल रहा था। बोले इतने में भूल गई कि हाँ आप बोलो ना जरा। ओ तोता बोल रहा था नारायण नारायण नारायण। वो कैसे बोल रहा था? जोर से बोल रहा था, आप जरा उसी की भाषा में बोलो जरा। बोले तोता बोल रहा था नारायण नारायण नारायण। कया दू सोचे कि इस बहाने भी भगवान का नाम ले रहा, आज तक जो भगवान के नाम की गाली देता भगवान का नाम सुनता नहीं था वो ले रहा है, काम बन जाए। भोजन भोजन किया अपना, थोड़ा तेल वेल लेके चरणों को जरा चंपी किया, थोड़ा पानी शीतल मिला दिया, हल्की सी चंपी। ओ मैं तो भूल गई तोता क्या बोल रहा था। अब खा पी के तृप्त हुआ है, लेटा है और चरण चंपी हो रही है, अब तो बोलता है प्रिय तोता बोल रहा था नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार 108 बार से भी अधिक नारायण नारायण नाम का जप करवाने के बाद ही
संसार व्यवहार में उतरी और प्रह्लाद का गर्भाधान हुआ, तो प्रह्लाद 5 महीने के थे। उन दिनों में कयादु नारद के आश्रम में गए और नारद जी कथा सुनाते थे, दैत्य का बेटा भगवान का ऐसा भगत बना के देवता लोग भी उसको नमन करते हैं। वायु में बड़ी शक्ति है। अब दैत्य के द्वारा भी प्रह्लाद जैसा महान भक्त धरती को देकर कयादु अमर हो गई, तो तुम्हारे पति तो दैत्य नहीं है, तुम्हारे पति तो मनुष्य है। और तुम्हारे पति कोई हरियाणा वाले होंगे, कोई कहीं वाले होंगे, जहां की पत्नी है पति कहीं के हो, लो तो भगवान के धाम के। तो पति से भगवान नाम स्मरण कराओ, भगवान की कथा सुनो सुनाओ, फिर बालक में भी भगवान के संस्कार पड़े। प्रह्लाद में ये कैसी शक्ति थी कि प्रह्लाद 12-13 साल के हुए तो कोई चमत्कार होने लगते, प्रह्लाद चाहते प्रार्थना करते तो बरसात होने लग जाती, रोकना चाहने की भावना करते बरसात रुक जाती, हवा चले तो खूब चलती और हवा रुक जाए ये संकल्प करते तो हवा रुक जाती। ऐसा प्रह्लाद में सामर्थ्य आया। कहाँ से आया? बोले बचपन में माँ के गर्भ में थे तब से सत्संग और भगवान का नाम था, इसलिए इतना समर्थ बालक हो गया। हिरण्यकश्यपु प्रह्लाद को सताने और मार मिटाने के लिए सारे कर्म कर चुका, लेकिन प्रह्लाद मरे। अंत में भगवान नरसी का अवतार हुआ, तो नरसी भगवान को अवतरित करने का सामर्थ्य प्रह्लाद में कहां से आया? सत्संग से। धन्ना जाट और ऐसा महान भक्त बन गया, अनपढ़ा जाट पढ़ा जैसा, पढ़ा जाट खुदा जैसा। कबीर जी ने तो ये कहा, कहा कबीर सुन रे मनवा, जाट भगत ना मूसल धनवा। जैसे मूसल धनुष नहीं बन सकती है, ऐसे जाट कोई सदा के लिए गुरु का भगत सदा के लिए भगत नहीं बन सकता, वो कुछ ना कुछ अपनी जटिली दिखा देगा। लेकिन फिर भी धन्ना जाट ने ऐसी सुंदर जटिली दिखा दी, ठाकुर जी को प्रकट करके दिखा दिया, अड़के बैठ गया। मेरे को तो खूब मजा आवे, अनपढ़ा जाट पढ़ा जैसा, पढ़ा जाट खुदा जैसा। तो कोई जाट छोरे आते बोले बापू जी दूसरी भी बात है, हमारे लिए लोग क्या बोलते हैं, जाट रे जाट तेरे सिर पे खाट। लोग कहे 8 × 16 जाट के चोपड़े, 16 × 8। वो जाट बच्चों नहीं सुना है मेरे को। एक जोक्स है, विनोदी है। कुल मिलाकर आप ठान लो, चाहे जाट के शरीर में आपका आत्मा है, चाहे बनिया के शरीर में है, चाहे कुछ है, सब का पवित्र आत्मा हमारी नजर में तो सब भगवान का रूप है। चाहे किसी जाति के हो, चाहे किसी धर्म के हो, चाहे किसी मजहब के हो, मेरे हृदय में तो सबके लिए प्यार है, स्नेह है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, कर लो सभी से स्नेह, जगत में कोई नहीं पराया है। एक ही माँ के बच्चे हम सब, एक ही पिता हमारा है, फिर भी ना जाने किस मूर्ख ने बिड़ना तुम्हें सिखाया है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। तो आप सब में भगवत भाव करते हुए ध्यान भजन को बढ़ाते रहना।